वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर। CNTL की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे असिमेट्रिकल टी नेटवर्क के बारे में। ओके, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है असिमेट्रिकल टी नेटवर्क का। ये पोर्ट वन है और ये पोर्ट टू है। ओके, इसका इम्पीडेंस है जेड ए, इसका इम्पीडेंस है आपका जेड बी और इसका इम्पीडेंस है जेड सी। सो देखिए, ये इम्पीडेंस और ये इम्पीडेंस, ये दोनों जो आर्म है वो आर्म क्या होते हैं, अपने सीरीज आर्म होते हैं। ठीक है, तो असिमेट्रिकल टी नेटवर्क के केस में ये जो दोनों सीरीज आर्म है वो इक्वल नहीं होते। मींस जेड ए इज नॉट इक्वल टू जेड बी। ओके, इज इट क्लियर? बट सिमेट्रिकल टी नेटवर्क में आपने देखा था ये दोनों आर्म की वैल्यू इक्वल थी, बट यहां पे ये दोनों आर्म इक्वल नहीं होते, दैट इज जेड इज नॉट इक्वल टू जेड बी। तो ये अपना क्या है, स्ट्रक्चर है किसका, असिमेट्रिकल टी नेटवर्क का। सो देखिए, वही बात यहां पे लिखी हुई है, द सीरीज आर्म इम्पीडेंसेस ऑफ द असिमेट्रिकल टी नेटवर्क आर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, इसीलिए जेड इज नॉट इक्वल टू जेड बी। सो ये अपना किसका स्ट्रक्चर है, अपना असिमेट्रिकल टी नेटवर्क का स्ट्रक्चर है। तो बात आ गई असिमेट्रिकल टी नेटवर्क की। तो असिमेट्रिकल नेटवर्क में हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज निकालनी पड़ती है, इटरेटिव इंपीडेंस एंड सेकेंड वन क्या निकालना पड़ता है हमें, इमेज इंपीडेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में क्या निकालेंगे, इटरेटिव इंपीडेंस निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम निकालेंगे इमेज इंपीडेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इटरेटिव इंपीडेंस से। सो लेट्स स्टार्ट। सो इटरेटिव इंपीडेंस निकालना है हमें। तो इटरेटिव इंपीडेंस को कैसे डिनोट करते हैं, जेड नॉट डैश से डिनोट करते हैं। सो ये एक टू पोर्ट नेटवर्क है, तो दो इटरेटिव इंपीडेंस निकलेंगे, कौन कौन से, पोर्ट वन का इटरेटिव इंपीडेंस जेड नॉट वन डैश एंड पोर्ट टू का इटरेटिव इंपीडेंस जेड नॉट टू डैश। तो पोर्ट वन पे इटरेटिव इंपीडेंस क्या है वो निकाल लेते हैं पहले। मींस ये रहा पोर्ट वन और ये रहा पोर्ट टू। ठीक है, सो पोर्ट वन पे हमें क्या निकालना है, इटरेटिव इंपीडेंस मींस जेड नॉट वन डैश। तो इसी सेम वैल्यू से हमें पोर्ट टू को क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। सो जेड नॉट वन डैश से मैंने क्या कर दिया, पोर्ट टू को भी टर्मिनेट कर दिया। और ये अपना क्या है, असिमेट्रिकल टी नेटवर्क। इसकी वैल्यू क्या थी, जेड ए, इसकी वैल्यू क्या थी, जेड बी और इसकी वैल्यू क्या थी, जेड सी। अब जेड नॉट वन डैश निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। देखिए अब क्या करना है हमें, ये रिजल्टेंट इंपीडेंस निकाल लेना है, वही क्या होगा पोर्ट वन के पास इंपीडेंस। ठीक है, सो ये दोनों क्या सीरीज में है, तो जेड नॉट वन डैश क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है मींस जेड बी प्लस जेड नॉट वन डैश ये सीरीज में है। ठीक है, और ये दोनों का रिजल्टेंट पैरेलल में है किसके साथ, जेड सी के साथ, दिख रहा है हमें, पैरेलल विथ जेड सी। और ये पूरा सीरीज में है किसके साथ, जेड ए के साथ, तो सीरीज विथ जेड ए। इज इट क्लियर, कैसे हुआ, देखिए मान लीजिए यहां से करंट आ रहा था आई, यही करंट डिवाइड हुआ ना इसमें, इधर मान लीजिए आई वन करंट गया, इसमें क्या गया आई टू करंट, तो आई वन ही करंट जेड बी में भी जा रहा है और जेड नॉट वन डैश में भी जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गए। और आई टू करंट इसमें जा रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो इसके साथ क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, और आई ही करंट तो इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हुआ था, इसीलिए जो इसका रिजल्टेंट है वो इसके साथ क्या है, सीरीज में है। तो ये आ गया, अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड नॉट वन डैश आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंपली हम क्या करते हैं, सॉल्व करने पे ध्यान देते हैं। तो जेड नॉट वन डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से इसको सॉल्व कीजिए अंदर वाले को पहले। सो ये वाला इसके साथ क्या है, पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा, जेड बी प्लस जेड नॉट वन डैश इन टू जेड सी डिवाइड बाय
जेड बी प्लस जेड नॉट वन डैश प्लस जेड सी, ओके। और ये पूरा प्लस किसके साथ, जेड ए के साथ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। सो लेट्स सॉल्व इट। अब एलसीएम लेते हैं हम, तो एलसीएम लेने से क्या आ जाएगा देखिए, जेड नॉट वन डैश इज इक्वल टू जेड सी, ओके, जेड सी, जेड बी प्लस जेड नॉट वन डैश, ओके, प्लस जेड ए इंटू जेड नॉट वन डैश प्लस जेड बी प्लस जेड सी होल डिवाइड बाय जेड नॉट वन डैश प्लस जेड बी प्लस जेड सी, ठीक है। अब इसको क्या भेजिए, इधर भेजिए, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, जेड नॉट वन डैश इंटू जेड नॉट वन डैश प्लस जेड बी प्लस जेड सी, ओके, इक्वल टू, ये क्या कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, जेड सी जेड बी प्लस जेड नॉट वन डैश जेड सी प्लस जेड ए जेड नॉट वन डैश प्लस जेड ए जेड बी प्लस जेड ए जेड सी, ओके। इतना क्लियर है, इसको भी ओपन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, जेड नॉट वन डैश का स्क्वायर प्लस जेड नॉट वन डैश जेड बी प्लस जेड नॉट वन डैश जेड सी, दिस इज इक्वल टू जेड बी जेड सी प्लस जेड नॉट वन डैश जेड सी प्लस जेड ए जेड नॉट वन डैश प्लस जेड ए जेड बी प्लस जेड ए जेड सी। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो, तो मुझे दिख रहा है जेड नॉट वन डैश जेड सी इधर भी है, जेड नॉट वन डैश जेड सी इधर भी है, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कुछ और नहीं दिख रहा। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए, जेड नॉट वन डैश स्क्वायर, ओके, इधर से ये वाला टर्म आया, तो क्या हो गया, माइनस जेड ए जेड नॉट वन डैश, इधर क्या है, प्लस जेड बी जेड नॉट वन डैश, ओके, माइनस जेड ए जेड बी प्लस जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड ए, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब देखिए, जेड नॉट वन डैश स्क्वायर माइनस जेड ए माइनस जेड बी, ओके, जेड नॉट वन डैश माइनस जेड ए जेड बी प्लस जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड ए इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। इतना समझ में आया, आई होप सो। ये आपको दिख रहा है क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इन जेड नॉट वन डैश, ओके। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस केस में रूट क्या हो जाता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइड बाय टू ए, ये हो जाता है, बस यही यहां पे अप्लाई करना है, ठीक है। सो चलिए अप्लाई करते हैं, निकालते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जेड नॉट वन डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी ना, सो ये देखिए, इसको इससे कंपेयर कीजिए, बी के जगह यहां पे क्या है, माइनस बी के जगह क्या है, माइनस ऑफ जेड ए माइनस जेड बी, ये है, और हमें क्या लिखना है यहां पे, माइनस बी, तो माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेड ए माइनस जेड बी, ओके। इतना क्लियर है,
सो यहां पे क्या लिखिए, जेड ए माइनस जेड बी। आई होप इतना क्लियर है आपको, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू ये है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड ए माइनस जेड बी का होल स्क्वायर। ओके, माइनस फोर ए सी, सो देखिए माइनस फोर इंटू ए, ए की वैल्यू क्या है यहां पे, वन दिख रहा है मुझे, ए मीन्स कोफिशियंट ऑफ दिस जेड नॉट वन डैश स्क्वायर, इसका कोफिशियंट क्या है वन। ओके, सो फोर इंटू वन इंटू सी, तो सी क्या है अपना, सी देखिए क्या है, माइनस ऑफ दिस, ये है ना सी, तो माइनस सी क्या है अपना, माइनस ऑफ दिस, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन गया यहां पे, प्लस बन गया, ठीक है। और यहां पे क्या आ गया, जेड ए जेड बी प्लस जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड ए, यह आ गया होल डिवाइडेड बाय टू ए, तो टू इंटू ए, ए क्या है यहां पे वन, तो टू इंटू वन। यहां पे समझ में आया ना, फोर ए सी क्या हो गया, देखिए सी के साथ एक नेगेटिव है इसीलिए माइनस और ये माइनस मिलके पॉजिटिव फॉर्म हो गया, ठीक है। इतना तो आता ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना। सो यहां तक हम पहुंचे, अब देखिए क्या होगा अपना, जेड नॉट वन डैश बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टू जेड ए माइनस जेड बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ जेड ए माइनस जेड बी का होल स्क्वायर प्लस फोर जेड ए जेड बी प्लस जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड ए। ओके, ये क्या आ गया अपना रिजल्ट, ठीक है, ये अपना क्या आ गया रिजल्ट आ गया। ये क्या आया, पोर्ट वन पे इटरेटिव इंपेडेंस क्या है वो आया, देख लीजिए रिजल्ट अपना आ गया ये। अब हम पोर्ट टू के तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोर्ट टू पे इटरेटिव इंपेडेंस निकालना है। तो ये क्या है अपना, ये टी नेटवर्क है, असिमेट्रिकल टी नेटवर्क, ये क्या था जेड ए, ये क्या था जेड बी और ये क्या था जेड सी, ठीक है, ये सेकेंड पोर्ट है और ये क्या है फर्स्ट पोर्ट। तो सेकेंड पोर्ट पे इटरेटिव इंपेडेंस निकालना है, मींस जेड नॉट टू डैश निकालना है, तो इसी से फर्स्ट पोर्ट को क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पोर्ट को मैंने जेड और टू डैश से क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। सो अब निकाल लेता हूं मैं, चलिए निकालते हैं क्या मिल जाएगा अपने को, उस पर ध्यान दीजिए, जेड और टू डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से, ये और ये क्या है सीरीज में है, सो जेड ओ टू डैश इज सीरीज विथ जेड ए। ओके, और ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस जेड सी के साथ क्या है, पैरेलल में है, पैरेलल विथ जेड सी। ओके, और इन सब का जो रिजल्टेंट आएगा वो जेड बी के साथ क्या है, सीरीज में है, तो प्लस जेड बी, ठीक है। आई होप ये समझ में आया, मान लीजिए इधर से आई करंट आ रहा था तो यही करंट इन दोनों में डिवाइड हुआ ना, आई वन आई टू, समझ में आया, तो आई टू करंट जेड ए में भी जा रहा है और जेड नॉट टू डैश में भी जा रहा है, इसीलिए सीरीज में हो गया, और ये पैरेलल में हो गया क्योंकि सेम करंट आके इन दोनों में डिवाइड हुआ है, आई करंट आया वही इन दोनों में डिवाइड हुआ है ना, तो ये और ये पैरेलल में हो गया और इन सबका रिजल्टेंट जेड बी के साथ क्या हो गया, सीरीज में हो गया। इतना क्लियर है, सो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जेड नॉट टू डैश बराबर क्या आ जाएगा अपना, जेड बी प्लस इसको सॉल्व कीजिए, जेड सी इंटू जेड ए प्लस जेड ओ टू डैश होल डिवाइड बाय जेड ए प्लस जेड सी प्लस जेड ओ टू डैश, ये आया, ठीक है। अब सिंपली क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा,
जेड ओ टू डैश इज इक्वल टू जेड बी इंटू जेड ए प्लस जेड सी प्लस जेड ओ टू डैश प्लस जेड सी इंटू जेड ए प्लस जेड ओ टू डैश दिस होल डिवाइडेड बाय वट जेड ए प्लस जेड सी प्लस जेड ओ टू डैश। ओके अब इसको इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, इस चीज को इधर भेजना है तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा जेड ओ टू डैश इंटू जेड ए प्लस जेड सी प्लस जेड ओ टू डैश, इसको ओपन कर लीजिए क्या हो जाएगा जेड ए जेड बी प्लस जेड बी जेड सी प्लस जेड ओ टू डैश जेड बी प्लस, अब इसको ओपन कीजिए क्या हो जाएगा जेड सी जेड ए प्लस जेड सी जेड नॉट टू डैश। ओके अब इधर वाला ओपन कर लीजिए ये क्या हो जाएगा जेड ओ टू डैश, ओके क्या हो जाएगा जेड ओ टू डैश जेड ए प्लस जेड ओ टू डैश जेड सी प्लस जेड ओ टू डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड ए जेड बी प्लस जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड ए प्लस जेड ओ टू डैश जेड बी प्लस जेड सी जेड ओ टू डैश, ये हो जाएगा। सो अब देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, जेड ओ टू डैश जेड सी यहां पे भी है और यहां पे भी है तो इसको क्या कर दीजिए कैंसिल आउट कर दीजिए, कुछ और कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है तो अब लिख लेते हैं हम लोग जेड ओ टू डैश स्क्वायर यहां पे क्या है प्लस जेड ए जेड ओ टू डैश इधर से क्या आया माइनस जेड ओ टू डैश जेड बी ओके माइनस जेड ए जेड बी प्लस जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड ए इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो। आई होप इतना क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। सो जेड ओ टू डैश स्क्वायर माइनस जेड बी माइनस जेड ए जेड ओ टू डैश ओके माइनस जेड ए जेड बी प्लस जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड ए इज इक्वल टू जीरो। ओके ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले लिख लीजिए देखिए ए क्या है यहां पे वन बी क्या है यहां पे माइनस ऑफ जेड बी माइनस जेड ए ओके सो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा जेड बी माइनस जेड ए का होल स्क्वायर और सी क्या है हमारे पास माइनस ऑफ जेड ए जेड बी प्लस जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड ए ओके ये है तो फोर सॉरी माइनस ऑफ फोर ए सी क्या हो जाएगा अपने पास वो भी निकाल लेते हैं इसे तो देखिए ये माइनस माइनस फोर ए क्या है वन और सी क्या है माइनस ऑफ दिस तो ये माइनस क्या हो गया प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ फोर ए सी फोर इंटू जेड ए जेड बी प्लस जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड ए ओके इतना आई होप आपको क्लियर है ठीक है माइनस ऑफ फोर ए सी ये आ गया। अब चलिए डायरेक्ट हम लोग रूट निकालते हैं सो रूट पे ध्यान देते हैं इसकी जरूरत पड़ेगी हमें सो अब क्या करेंगे हम रूट निकालेंगे ठीक है सो यहां पे कौन सा रूट निकलेगा जेड ओ टू डैश सो जेड ओ टू डैश क्या हो जाएगा माइनस बी सो बी की वैल्यू देखिए क्या थी बी की वैल्यू है अपनी ये रही ना बी की वैल्यू तो माइनस बी क्या हो जाएगा ये माइनस और एक माइनस बी वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो माइनस बी क्या हो जाएगा जेड बी माइनस जेड ए
ओके, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर. बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाली थी अभी, क्या होता है जेड बी माइनस जेड ए का होल स्क्वायर. माइनस फोर ए सी, माइनस फोर ए सी की वैल्यू मैंने निकाली थी, क्या आया था प्लस फोर इंटू जेड ए जेड बी प्लस जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड ए, यह आया था ठीक है. होल डिवाइडेड बाय टू ए, टू इंटू ए, ए क्या है वन. ओके इतना क्लियर है. सो यहां से जेड ओ टू डैश क्या आ गया अपना जेड बी माइनस जेड ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अच्छे से लिख देते हैं एक बार, जेड बी माइनस जेड ए का होल स्क्वायर प्लस फोर जेड ए जेड बी प्लस जेड बी जेड सी प्लस जेड सी जेड ए. ओके दिस होल इंटू वन बाय टू, क्योंकि टू क्या था डिवाइड में, तो वन बाय टू. सो ये क्या आ गया अपना जेड ओ टू डैश, मीन्स इटरेटिव इंपिडेंस, इटरेटिव इंपिडेंस एट पोर्ट टू. ओके आई होप इतना क्लियर है. एक और चीज, यहां पे जो माइनस बी था वो मेरे को लग रहा है कुछ डाउट हो तो मैं क्लियर कर दूं. तो बी इज इक्वल टू अगर माइनस ऑफ जेड बी माइनस जेड ए है तो माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस ऑफ जेड बी माइनस जेड ए. ओके सो यहां से माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस जेड बी माइनस जेड ए, इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा जेड बी माइनस जेड ए. सो दिस इज ऑल अबाउट इटरेटिव इंपिडेंस ऑफ असिमेट्रिकल टी नेटवर्क. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please like, share and subscribe my YouTube channel and also press the bell icon to get the further notification regarding the upcoming videos of CNTL.